सीता जी से हनुमान जी की भेंट हो गई। हनुमान जी ने सीता जी से आज्ञा ली और फल खाने का बहाना करके पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। क्यों? इसलिए उन्होंने सोचा कि जब मैं वाटिका को उजाड़ूंगा तो इस वाटिका के रखवाले, कुछ योद्धा, कुछ सेना, कुछ यहां आएगी मुझे पकड़ने के लिए। उन्हें रावण की सेना का बलाबल का पता लगाना था कि रावण की सेना में बल कितना है, योद्धा किस तरह के हैं, इसलिए उन्होंने पूरी वाटिका उजाड़ दी। बहुत से योद्धा लड़ने आए, उन सभी को हनुमान जी ने वध कर दिया। उन्होंने रावण के बेटे अक्ष कुमार का भी वध कर दिया। लेकिन जब मेघनाथ ने उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए वो उसमें बंध गए और पहुंच गए दरबार, रावण के दरबार में। वहां से निकले तो अपनी पूंछ से सारी लंका जला दी। इस तरह उन्होंने स्वयं की शक्ति भी दिखा दी और अपने स्वामी का सामर्थ्य भी बता दिया कि देखो मैं और मेरे स्वामी, हमारी शक्तियां देखो। लौट कर गए, सीता जी का पता मिल गया था, सारे वानर भालू उत्साहित हो गए, एक नई ऊर्जा का संचार हो गया उनमें और वो चल पड़े सागर के पार जाकर राक्षसों का वध करने के लिए। और राम जी की सेना चल पड़ी लंका की ओर।